Assalamualaikum दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम यूनिट के टॉपिक का आगाज किया था। सिस्टम यूनिट का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम यूनिट के कॉम्पोनेंट्स, कैबिनेट, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड और माइक्रोप्रोसेसर को डिटेल में पढ़ा था। लेक्चर में हम माइक्रोप्रोसेसर के दूसरे कंपोनेंट्स, रजिस्टर्स, क्लॉक रेट, कोप्रोसेसर्स वगैरह को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था, दोस्तों माइक्रोप्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर किए जाने वाले तमाम काम माइक्रोप्रोसेसर के जरिए ही परफॉर्म करवाए जाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर कोई एक काम माइक्रोप्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल के जरिए परफॉर्म करता है। दोस्तों, ये सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से निकालता है, इसको फेच कहते हैं। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को देखता है कि उसके अंदर क्या काम करना है, इसको डिकोड कहते हैं। और देखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी उस काम को परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, निकालता है और एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया में रख देता है। उस टेम्पररी स्टोरेज एरियाज को रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर्स ये बिट के फॉर्मेट में मेमोरी से जो डाटा आता है उसे होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी डाटा मेमोरी से ये निकालता है उसे बिट्स की शक्ल में अपने पास आरजी तौर पर रख लेता है। दोस्तों, आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। दोस्तों, एक बड़ी सी अलमारी है जिसमें बहुत सी किताबें रखी हैं। आप उसमें से एक किताब पढ़ने के लिए निकालते हैं और अपने साइड ड्रॉअर में रख लेते हैं, ताकि जब तक आप उस बुक को पूरी पढ़ नहीं लेते तब तक उसको अपने साइड ड्रॉअर में रखते हैं। दोस्तों, आपने किताब को ड्रॉअर में क्यों रखा? ताकि बार बार उस किताब को पढ़ने के लिए आपको उस बड़ी अलमारी में ढूंढना नहीं पड़े, क्योंकि उसमें और भी बहुत सी किताबें मौजूद हैं और वो आपकी पहुंच से दूर हैं। यानी आपने अपना वक्त बचाने के लिए किताब को जब तक ड्रॉअर में रखा, जब तक उसको पढ़ना ही लिया और पढ़ने के बाद दोबारा उसे उस बड़ी अलमारी में रख दिया। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही वो बड़ी अलमारी मेमोरी है जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं। माइक्रोप्रोसेसर सबसे पहले जिन इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना होता है, यानी जिनको परफॉर्म करना होता है, उन्हें रजिस्टर्स में रख देता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने किताब को ड्रॉअर में रखा था, रजिस्टर्स में रखने का ये फायदा होता है कि रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सीपीयू के अंदर मौजूद है, यानी सीपीयू के करीब होते हैं, जिसकी वजह से रजिस्टर्स से इंस्ट्रक्शन को फेच करने में, निकालने में इतना वक्त नहीं लगता जितना मेमोरी से निकालने में लगता है, क्योंकि मेमोरी सीपीयू से दूर होती है और जितनी तेजी के साथ वो इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, निकालेगा, उतनी ही तेजी के साथ उन्हें प्रोसेस भी कर सकेगा। तो दोस्तों, इसीलिए जिन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना होता है सीपीयू उन्हें रजिस्टर्स में रख देता है। रजिस्टर 2 बिट का भी होता है, 4 बिट का भी होता है, 8 बिट, 32 बिट और 64 बिट का भी होता है। यानी जितनी बिट्स वो एक दफा में होल्ड कर पाता है, अपने पास रख पाता है, जो कि उस रजिस्टर्स की कैपेसिटी भी कहलाती है। उसी बेस पर उस रजिस्टर्स को नाम भी दिया जाता है कि ये 32 बिट का रजिस्टर है, ये 8 बिट का रजिस्टर है, ये 64 बिट का रजिस्टर है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, जितनी बिट्स आपका रजिस्टर्स होल्ड करेगा उतनी ही बिट्स आपका माइक्रोप्रोसेसर एक वक्त में प्रोसेस कर सकता है, जिसको माइक्रोप्रोसेसर का वर्ड साइज भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक रजिस्टर है जिसमें 2 बिट का डाटा है। दोस्तों, सबसे पहले उसने इंस्ट्रक्शन को फेच किया और रजिस्टर्स में अगर 2 बिट के डाटा को रखने की सलाहियत है तो उसने 2 बिट के डाटा को अपने अंदर महसूस किया। इसके साथ ही डिकोडर है, तो डिकोडर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी जितना डाटा रजिस्टर उसको देगा वो उतना ही डाटा प्रोसेस कर सकता है और रजिस्टर उतना ही डाटा दे सकता है जितना उसके अंदर होल्ड करने की सलाहियत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 32 बिट का रजिस्टर है, यानी उसके अंदर 32 बिट्स को अपने अंदर रखने की सलाहियत है, तो वो 32 बिट्स को ही डिकोड करने के लिए डिकोडर को देगा और डिकोडर उन 32 बिट्स को प्रोसेस करेगा। इसलिए जितनी बिट्स रजिस्टर होल्ड कर सकता है
उतनी ही बिट्स आपका माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है। मींस जितनी ज्यादा बिट्स रजिस्टर होल्ड करेगा उतनी ही ज्यादा बिट्स सीपीयू प्रोसेस कर सकता है। तो दोस्तों किसी भी माइक्रोप्रोसेसर के अंदर रजिस्टर का साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है बस और बस बिट। दोस्तों आमतौर पर जो पब्लिक बसेस हम इस्तेमाल करते हैं जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में भी बसेस मौजूद होती हैं जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, यानी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ना सिर्फ सीपीयू के पार्ट्स जैसे कि कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को एक दूसरे से जोड़ती है, बल्कि सीपीयू को कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी जोड़ती है, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों कंप्यूटर में तीन तरह की बसेस होती हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस जिस जगह पर डेटा को भेजना होता है उसका एड्रेस लेकर जाती है। डेटा बस जो कि सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। और कंट्रोल बस जो कि सिग्नल्स को लेकर जाती है कि जो डेटा आपने भेजा है उस पर क्या काम करना है, यानी यूजर उसको सिर्फ रीड कर सकता है यानी सिर्फ पढ़ सकता है, या फिर राइट भी कर सकता है यानी उस पर कुछ काम भी कर सकता है। तो इन सिग्नल्स को कंट्रोल बस लेकर जाती है। दोस्तों जिस तरह एक बस में जितनी नंबर ऑफ सीट्स मौजूद है होंगी उतनी ही ज्यादा लोगों को बस एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में बस की कैपेसिटी का अंदाजा बस विड्थ से लगाया जाता है, जिसको नंबर ऑफ लाइंस इन द बस से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस एक डाटा बस में मौजूद होंगी उतनी ही ज्यादा बिट्स को बस एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है। यानी दोस्तों आपकी बस, कोई भी बस, डाटा बस, एड्रेस बस या फिर कंट्रोल बस छोटे छोटे तारों पर मुश्तमिल होती है जिनको लाइंस कहा जाता है, और एक लाइन के अंदर एक बिट का ही डाटा जा सकता है। जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतना ही ज्यादा डाटा आपकी बस एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल 8 बिट का डाटा है, 8 बिट की बस है तो वो 8 बिट्स यानी 1 बाइट के डाटा को लेकर जा सकती है। 32 बिट्स है तो वो 4 गुना ज्यादा डाटा को यानी 4 बाइट का डाटा एक वक्त में लेकर जा सकती है। दोस्तों इंटेल के कंप्यूटर्स में 64 बिट बसेस इस्तेमाल होती हैं और कुछ सुपर कंप्यूटर्स में अब तक 128 बिट की बिट्स इस्तेमाल की जाती हैं, यानी 128 बिट्स के डाटा को बस एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती है। इसके बाद जो माइक्रोप्रोसेसर का तीसरा कंपोनेंट है वो है क्लॉक। दोस्तों किसी भी कंप्यूटर को खरीदते वक्त जो सबसे पहली चीज देखी जाती है वो है उसकी क्लॉक या फिर क्लॉक स्पीड। इसको काफी सारे नामों से जाना जाता है, इसको क्लॉक रेट भी कहते हैं, क्लॉक स्पीड या फिर प्रोसेसर की क्लॉक साइकिल भी कहा जाता है, या फिर सिंपल इसको प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड भी कह सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि इस क्लॉक स्पीड होता क्या है। आपने देखा होगा कि प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज के भी होते हैं और 2 गीगाहर्ट्ज के भी होते हैं। तो दोस्तों 2 गीगाहर्ट्ज का मतलब क्या है कि आपका प्रोसेसर एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। दोस्तों प्रोसेसर को कैसे पता लगेगा कि उसे एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना है, तो दोस्तों ये चीज उसको क्लॉक बताएगी। कंप्यूटर में ऑसिलेटर होता है जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रिक वेव्स पैदा करता है। जैसे कि आपने साउंड वेव्स देखी होंगी, सेम वैसे ही क्रिएट करता है। जब एक वेव पूरी होती है तो उसे एक क्लॉक साइकिल कहते हैं, और आपका माइक्रोप्रोसेसर एक सेकंड में जितनी वेव्स जनरेट करेगा, जितनी वेव्स पैदा करेगा उतनी उसकी क्लॉक स्पीड होगी, उतना ही माइक्रोप्रोसेसर फास्टर होगा यानी तेजी से काम करेगा, यानी उतनी तेजी के साथ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। मींस क्लॉक स्पीड ये बताएगी कि एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस को आपका माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। दोस्तों जिस तरह तमाम चीजों को नापने के लिए कोई ना कोई यूनिट होता है, इसी तरह
क्लॉक स्पीड को नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उसको हर्ट्ज कहते हैं। अगर आपका प्रोसेसर एक सेकंड में एक साइकिल जनरेट करता है, यानी एक बिट जनरेट करता है, तो उसकी स्पीड होगी 1 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड के अंदर 1 मिलियन बिट्स जनरेट करता है तो उसकी क्लॉक स्पीड होगी 1 मेगाहर्ट्ज। और अगर एक सेकंड में 1 बिलियन क्लॉक साइकिल जनरेट करता है तो उसकी स्पीड होगी 1 गीगाहर्ट्ज। और दोस्तों आज के कंप्यूटर आमतौर पर गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ आ रहे हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि अभी तक कौन कौन से माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और उनकी क्लॉक रेट, डेटा बस और रजिस्टर साइज क्या क्या था। सबसे पहले 8086 माइक्रोप्रोसेसर आया जो 1978 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। दोस्तों इसका रजिस्टर साइज था 16 बिट्स, यानी ये एक वक्त में 16 बिट्स को अपने अंदर होल्ड कर सकता था। उसकी डेटा बस थी 16 बिट्स, यानी एक वक्त में डेटा बस 16 बिट्स के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती थी, यानी इस डेटा बस के अंदर 16 लाइंस मौजूद थी दोस्तों। और उसकी क्लॉक स्पीड थी 5 से 10 मेगाहर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 5 से 10 मिलियन तक की क्लॉक साइकल्स को माइक्रोप्रोसेसर जनरेट कर सकता था, यानी माइक्रोप्रोसेसर का ऑसिलेटर। इसके बाद आया 8088, फिर 80386, 80486, फिर पेंटियम, पेंटियम 2, पेंटियम 3 और 2000 में इंट्रोड्यूस कराया गया पेंटियम 4, जिसका रजिस्टर साइज था 64 बिट्स, यानी वो एक वक्त में 64 बिट्स तक के डाटा को अपने अंदर होल्ड कर सकता था। के बाद आई डाटा, उसकी डाटा बस जो कि 64 बिट्स थी, यानी वो एक वक्त में 64 बिट्स के डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकती थी। और उसकी क्लॉक स्पीड यानी क्लॉक रेट था 1 से लेकर 3 तक का गीगाहर्ट्ज। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं वैसे वैसे उनका साइज, यानी डेटा को प्रोसेस करने का, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का साइज भी बढ़ रहा है। सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर था उसका साइज था 16 बिट्स, तो सबसे आखिरी 2000 में जो माइक्रोप्रोसेसर आया उसका रजिस्टर साइज था 64 बिट। इस तरीके से डेटा बस पहले 16 थी, 64 हो गई और क्लॉक स्पीड पहले मेगाहर्ट्ज थी और अब जितने भी आपके कंप्यूटर्स आ रहे हैं उन्हें माइक्रोप्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज तक की है। तो दोस्तों इसके बाद माइक्रोप्रोसेसर का आखिरी कंपोनेंट है कोप्रोसेसर। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के तमाम टास्क को, चाहे वो मेमोरी को मैनेज करना हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, और तमाम इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू ही प्रोसेस और कंट्रोल करता है। इसकी वजह से एक वक्त में इतने कामों को करने की वजह से आमतौर पर प्रोसेसर स्लो हो जाते हैं, यानी हल्की स्पीड में काम करने लगते हैं। तो फिर दोस्तों कॉन्सेप्ट आया कोप्रोसेसर्स का, जो कि माइक्रोप्रोसेसर्स के साथ ही अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिनका ये काम होता है कि ये सीपीयू के कुछ कामों का लोड अपने ऊपर ले लेते हैं, यानी सीपीयू के कुछ माइनर टास्क को कोप्रोसेसर्स करते हैं, जिसकी वजह से सीपीयू से लोड कम हो जाता है और वो सिर्फ उन कामों पर फोकस करते हैं, उन कामों पर तवज्जो देते हैं जो कि ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, और लोड को कम होने की वजह से वो उन कामों को बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं। यानी जब सीपीयू पर से लोड कम हो जाता है तो वो जो काम इम्पोर्टेंट होते हैं, जो मेजर काम होते हैं, उनको जल्दी जल्दी परफॉर्म करता है और स्लो भी नहीं होता। और इस तरह तमाम न्यूमेरिक कैलकुलेशंस कोप्रोसेसर से करवाई जाती हैं ताकि माइक्रोप्रोसेसर से वर्कलोड को रिड्यूस करवाया जा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोप्रोसेसर माइक्रोप्रोसेसर के साथ अटैच होते हैं, ये एक सर्किट डिजाइन किया जाता है माइक्रोप्रोसेसर की ही चिप पर, तो जो मेमोरी, बस, रजिस्टर्स, क्लॉक माइक्रोप्रोसेसर की होती है वो कोप्रोसेसर उनको माइक्रोप्रोसेसर से शेयर करता है, यानी वो तमाम चीजें कोप्रोसेसर्स की भी होती हैं। तो दोस्तों कोप्रोसेसर किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है, ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, हैंडल करता है, और ग्राफिकल डिस्प्लेस जो आप स्क्रीन पर देखते हैं उनको भी कोप्रोसेसर ही हैंडल करते हैं। सबसे पहला कोप्रोसेसर था इंटेल का 8087 मैथ कोप्रोसेसर, क्योंकि ये माइक्रोप्रोसेसर के साथ होता है, यानी उसी चिप पर होता है, तो ये 8086
और 8088 माइक्रोप्रोसेसर्स के साथ ये लगाया जाता है। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि 8086 और 8088 माइक्रोप्रोसेसर्स के साथ ही क्यों माइक्रोप्रोसेसर लगाया जाता है। तो दोस्तों 8087 माइक्रोप्रोसेसर की जरूरत, दोस्तों 8086 और 8088 माइक्रोप्रोसेसर बहुत ज्यादा हाई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो ऐसी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कराने के लिए 8087 माइक्रोप्रोसेसर्स को डेवलप किया गया। तमाम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैलकुलेशंस इन्हीं माइक्रोप्रोसेसर्स के जरिए करवाई जाती थी, जिसके जरिए कैलकुलेशंस बहुत तेजी के साथ परफॉर्म की जाने लगी। दोस्तों फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कहा जाए और इसी तरीके से आपको तमाम सब्जेक्ट्स साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने को दिए जाए, तो दोस्तों इन तमाम क्वेश्चंस को करने की वजह से आपका जहन एक वक्त में स्लो काम करने लगेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ मैथ के क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए दिए जाए तो आप तेजी के साथ उनको कर सकते हैं। इसीलिए तमाम कंट्रोल एक्टिविटीज, तमाम कंट्रोल करने वाले ऑपरेशंस माइक्रोप्रोसेसर करता है और तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशन को प्रोसेसर से कराए जाते हैं। अब तमाम प्रोसेसर के साथ उनके मैथ को प्रोसेसर साथ मौजूद होते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने ये जाना कि जितने बड़े साइज का रजिस्टर होगा, जितने ज्यादा एक माइक्रोप्रोसेसर की बस की विड्थ होगी और जितनी ज्यादा क्लॉक की स्पीड होगी और जितना अच्छा मैथ को प्रोसेसर उस माइक्रोप्रोसेसर के साथ होगा, उतनी ही तेजी के साथ उतना ही एफिशिएंट और फास्ट आपका माइक्रोप्रोसेसर होगा। यानी ये चारों कंपोनेंट्स की भी किसी भी माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड का तायुन करते हैं। दोस्तों अगले लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज जो कि सिस्टम यूनिट में इस्तेमाल की जाती हैं और एक्सपेंशन स्लॉट्स को डिटेल में पढ़ेंगे।